ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈ ਪਰਾਠਾ तो एक नवाला मैं पराठे का तोड़ लेता हूँ वो अपनी महबूबा के। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम हो गया और बैक भी हो गया और विदा नदर विलाग भी हो गया है। तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या? आपका भाई जनाब एक नए दिन के साथ बल्कि नई रात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आपको पता होगा मोस्टली मेरे विलाग रात को होते हैं, तो यार अफ्तारी शफ्तारी कर ली है जनाब आपके भाइयों ने, और अफ्तारी करने के बाद जो है ना मुझे बाजार जाना पड़ गया। और मसला ये बना कि दो काम हमें करने पड़ गए, काम इस तरह के, एक तो जो है ना जेब में बिल्कुल पैसे खत्म हो गए हैं। सुभान अल्लाह। तो अभी मैंने जेब देखी था, 240 रुपए रह गए थे, मैंने इनको गिनती किया 240 रह गए हैं। तो अभी हमें जनाब एटीएम जाना है, एटीएम जाके हमने पैसे निकलवाने हैं। और दूसरा जो है ना गैस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, घर में गैस खत्म हो चुकी है, तो गैस भी जो है ना रिफिल करवानी है। तो अफ्तारी करने के बाद अभी थोड़ा सा फ्रेश हुआ था, चाय नहीं पी क्योंकि गैस खत्म हो चुकी है, गैस आएगी तो चाय बनेगी। तो अभी जनाब सिलेंडर पकड़ते हैं। इतने में जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ जो टल्ली का बटन है उसको लाजमी तौर पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको जो है नोटिफिकेशन आ सके। टोपी शोपी पकड़ ली है, टोपी हम सर पर रख लेते हैं ताकि रास्ते में डस्ट ना पड़े। और जो है टोपी लेने के बाद हम ग्लासेज लगाएंगे। ग्लासेस लगाने के बाद हम सिलेंडर पकड़ेंगे और बाकी अपने सफर का आगाज करेंगे। पैसे शैसे निकलवा लेते हैं, अभी के लिए हम एटीएम पहुंच चुके हैं। यार अच्छा आप ये बताओ किस किस बंदे ने जनाब जो एटीएम का पासवर्ड है वो अपनी महबूबा के मोबाइल नंबर पे या फिर इस पे, मैं नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। सब भाई ने बताना जनाब किस किस भाई ने जनाब महबूबा के नंबर पे जो एटीएम का पासवर्ड रखा हुआ है। मेरे से जवान है और फिर भी इसको सर्दी लग रही है। क्यों सर्दी लग रही है आपको? यार मुझे बुखार है। अंडा खिलाऊं आपको? कौन सा, देसी या वलायती? देसी अंडा खाना है। अभी जनाब कैश कुछ निकलवा लिया, कैश भरवाते हैं और चाय शायद पीते हैं और फिर घर की तरफ रवाना होते हैं। नुमान ने मेरे साथ जुल्म की इंतहा कर दी है और सिलेंडर जो है ना मेरे आगे रख दिया, इसलिए यार ऐसे शर्म आनी चाहिए भाई। यार ये जो है ना चाचू जेलदार के पास हम आ गए थे, आधी रात को खाना है पराठा। तो ये आलू वाला पराठा है चाचू जेलदार का, तो फर्स्ट टाइम मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। नोमी भाई कैसा होता है इनका पराठा? नहीं पता चलेगा, खाएंगे तो। नहीं तो खाना रहना ना, दसो ना। अच्छा बकौल नोमी भाई के कह रहे हैं कि बड़ा मज़ेदार होता है, आज हम आपके साथ इसको ट्राई कर लेते हैं। शुरू करिए। तो और ये पराठे का और रायते का जो जोड़ है ये मुझे समझ नहीं आया, ये कैसा जोड़ है? तो सीधा छोड़ो वीरे, नवाला लाने से डर। अच्छा जी, काफ़ी गर्म है पराठा, तो एक नवाला मैं पराठे का तोड़ लेता हूँ। ये जनाब आपको बता देते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। अभी ना पराठा गर्म है तो मुझे एग्जैक्ट टेस्ट का पता नहीं चला कि टेस्ट कैसा है, दोबारा ट्राई कर। यार रमज़ान में आपको खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये जलन करता है और फिर ना तजाबीत भी हो जाती है, लेकिन नुमान भाई के कहने पे हम खा रहे हैं इसको। यार पराठा मज़ेदार है, तो दो गुड़ वाली हमने चाय भी गई हुई है, तो अभी चाय में ना थोड़ा सा लेट है और मज़ा तभी आता है कि पराठे के साथ चाय भी साथ ही हो। गुड़ वाली चाय आ चुकी है, बस ठीक है, ये गुड़ वाली चाय आ चुकी है हमारी, और पराठा खाने के बाद इसको जनाब पीते हैं। नुमान भाई कह रहे थे हमने गुड़ वाली पीनी है, पराठे के बाद इसको पीने का अपना ही मज़ा है, और इस जनाब ठंडे मौसम में है पी के बताते हो। बहुत टेस्टी है यार, बहुत मज़ेदार है, और पराठे के बाद चाय तो फिर आपको पता है टेस्ट दुबाला हो जाता है। चाय शाय पीने के बाद ना अपने भांजे के घर आ गए हैं। चिची दो, चिची दो, चिची दो, चिची दो, चिची दो, चिची दो, लेनी है अली? चिची खा लूं? हैं? खा लूं? मैं खा लूं चिची? नहीं खाऊं? बिल्कुल खा लूं। अच्छा ये लो, ये लो, ये लो, ये लो।
सर ये हम ना गैस वाली शॉप पे आ गए हैं और अभी हम जो सिलेंडर रिफिल करवा रहे हैं। इमरान खान कैसा बंदा है? बड़ा गंदा बंदा है यार, ना करो साडे सामने कम नहीं, ना करो सामने हकीकत गल कर यार। अच्छा बंदा है, उन्होंने अच्छे काम किए, बिल्कुल अच्छा नहीं है यार। ये भाई कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा कौन है फिर? अच्छा भाईजान होवे जेड़ा मुल्क दा अच्छा करे। कौन है? नवाज शरीफ। अच्छा नवाज शरीफ। अच्छा नवाज शरीफ। अच्छा नवाज शरीफ। यार ये भाई कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अच्छे हैं और इमरान खान ने जो है ना मुल्क खराब कर दिया। 70 साल से मुल्क तबाह नहीं हुआ यार, क्या साल से मुल्क तबाह। फैसला आवाम पे है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये इमरान खान ने तबाह किया मुल्क या पीछे 30 साल से खराब होता चलता आ रहा है। मौत किस टाइम आनी है नहीं पता जी, मुझे पुलिस ने बता दिया आपको ऐसे चार बंदे पांच मारेंगे, पुलिस वाले मार देंगे, वो हम पे हमला कर देंगे। केवल कभी किन्नो फैसला आवाम पे, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि अच्छी हुकूमत कौन चला रहा था, अभी खराब हुई है या पीछे 40 साल से खराब हो रही है। यार ये सिलेंडर वगैरह आ चुका है और सिलेंडर के चक्रों में हमें तकरीबन रात के 10 बज गए हैं। तो अफ्तारी करने के बाद हम गए थे तो अभी रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं जनाब, ये सिलेंडर को चक्रों में हैं।